तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास ये फ्लिपकार्ट की तरफ से एक प्रोडक्ट आ चुका है। इसको मैंने लगभग बुक किया था आज से 3 दिन पहले, यानी कि मैंने इसे बुक किया था शायद 18 तारीख को। तो आज हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है, इसमें क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको बता देता हूँ, हाँ क्या इसमें एक वायरलेस माउस है जो कि कंप्यूटर में अपने कनेक्ट करके हम चलाएंगे, लैपटॉप या कंप्यूटर में आप लोग चला सकते हो। तो इसकी आज करेंगे हम अनबॉक्सिंग और इसके फायदे आपको बताएंगे कि वायरलेस माउस लेने के क्या फायदे होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पर सबसे पहले इस पैकेट को काट लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसकी बातें आप लोगों को और क्वालिटी के बारे में सब कुछ आपको बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पैकेट को हम काटते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम सबसे पहले पैकेट को काट लेते हैं। तो जैसा कि मैंने इसे यहाँ से काट दिया है, आप लोग देख सकते हो मैंने इसे कट लगा दिया चाकू से। तो शायद ये पैकेट मैंने खोल लिया है, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने पैकेट को खोला, उसके बाद आप लोग देख सकते हो अंदर एक ऐसा कुछ पैकेट आप लोगों को मिलेगा। जैसे आप लोग कभी मंगाओगे तो मेरे पास ऐसा कुछ पैकेट आ चुका। अब ये एक रैप में मिलेगा, तो प्लास्टिक रैप को हम हटा देते हैं यहाँ से। तो शायद प्लास्टिक रैप यहाँ से, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये हट चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो जो प्लास्टिक रैप मैंने इसे भी हटा दिया है, और जो इसका बॉक्स, सॉरी फ्रेंड्स, ये मेरा माउस है। अब जो बॉक्स और प्लास्टिक रैप, सबसे पहले हम इनको साइड में कर देते हैं। देन उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये मेन प्रोडक्ट भी मैं इसे हाईलाइट करके आप लोग दिखाते हो। ये भी एक प्लास्टिक रैप, मैं इसको हटाता हूँ। उसके बाद आप लोग इसे देख सकते हो कितना यूनिक सा लग रहा है, बहुत ही अच्छा ऐसे लग रहा है कि हमारा एप्पल का जो है माउस लग रहा है, जो कि वायरलेस काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इसको अभी एक प्लास्टिक डिब्बे से हम बाहर निकालेंगे, देन उसके बाद इसको आपको दिखाएंगे। तो सर पहले इस प्लास्टिक डिब्बे को देखते हैं किधर से खुलता है, फिर इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मैंने इसको यहाँ से, इसको मैं यहाँ से खोलता हूँ और ये मेरा खुल भी चुका है। जो डब्बा था प्लास्टिक का, इसको खोल लिया है। देन उसके बाद आप लोग देख सकते हो कितना यूनिक सा लग रहा है, इतना पतला, इतना जो थिन लग रहा है, जो काफ़ी अच्छा खासा ये हमारा माउस है। इतना स्लिम आप लोगों ने पहले शायद देखा भी होगा, तो मैंने तो शायद पहली बार देखा इसे। मेरे पास और कई पड़े हुए हैं जो माउस हैं जो कि वायर्ड हैं, लेकिन ये मेरा पहला जो माउस है जो कि वायरलेस है। तो इसके बारे में आप लोग कुछ बातें बताऊँगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये, यहाँ से इसको, यहाँ से हम सबसे पहले खोलते हैं, उसके बाद बताते हैं। यहाँ से आप लोग इसमें सेल लगा सकते हो, देन सेल लगाने के बाद भाई ये चलेगा। उसके बाद भैया यहाँ पे इसका वाईफाई रखा हुआ है, तो इसको वाईफाई को आप लोग अपने सीपीयू में लगाना होगा। यदि आप लोगों का लैपटॉप होगा तो लैपटॉप में आप लोग इसे लगा दोगे। देन उसके बाद मैं बताता हूँ, यहाँ सेल लगा दोगे, इसको ऐसे बंद कर दोगे, उसके बाद सिंपल से दोस्तों ये चलने लगेगा। तो यही है हमारा कुछ आज का एडनेट का जो वायरलेस माउस था, जो कि व्हाइट कलर में था, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ये माउस ज़रूर बताना हमको कमेंट करके। और इसकी यदि आप लोग और कुछ बातें जानना चाहते हो तो आप लोग हमसे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो या वीडियो कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करना। यदि फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस चैनल पर हमेशा इसी तरह की अनबॉक्सिंग वगैरह और यूट्यूब रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।